हेलो एवरीवन, आज मैं बताने वाली हूँ गोभी मटर की बहुत ही टेस्टी पराठे, जिसको आप बहुत ही आराम से बना सकते हो, बहुत ही अच्छे से बेल सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, और इसके साथ में मैं रेड वाली चटनी भी बताने वाली हूँ, तो वीडियो आप पूरा देखना। तो इधर मैं पैन चढ़ा दी हूँ, उसमें तेल डालने के बाद जीरा और डाल दी हूँ, अदरक लहसुन का पेस्ट, इसको हम भून लेंगे थोड़ा सा। और ये हरी मिर्च डाल देती हूँ एक, आप तीखा अपने हिसाब से कर सकते हो, और इसको हम भून लेंगे थोड़ा। और तो ये देखिए भुन गया है, इसमें मैं डाल देती हूँ एक प्याज, छोटा सा प्याज था उसको बारीक कट कर ली हूँ, तो इसको भी हम भून लेते हैं अब। इसको भुनने के बाद इधर मैं जो गोभी और मटर ली थी, तो गोभी और मटर को क्या की थी मैं, थोड़ा सा उबाल ली थी और उसको बस पीस ली हूँ मैं, उसका पानी निकाल के। तो ये हमारा अच्छा सा रेडी हो गया है, बस अब इसको हम अच्छे से भूनेंगे, इसका पानी जब तक ये सूख जाए थोड़ा सा, मतलब बहुत टाइट वाला डो जैसा बन जाए वैसा, तो इसको अच्छे से हम पकाएंगे। तो आप गोभी बस कभी बना सकते हो, मैं इधर मटर भी डाल दी थी। अब इसमें हम डाल देते हैं हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, और ये डाल देती हूँ मैं थोड़ा सा गरम मसाला, और थोड़ा सा मैं डाल दूँगी इसमें अमचूर पाउडर या चाट मसाला जो भी आपके पास हो, और नमक डाल दूँगी टेस्ट के अकॉर्डिंग, और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो इसमें आप और भी मसाले डाल सकते हैं, जैसे मिर्च पाउडर हो गया और भी जो होते हैं, और इसको अच्छे से हम मिक्स करते जाएंगे। गैस को एकदम मीडियम फ्लेम पे ही रखेंगे। तो जो हमारा आप देख रहे हो स्टफिंग, वो रेडी हो गया है, बस धनिया डाल के हम इसको अच्छे से मिला देते हैं, और इसको हम निकाल लेंगे, ठंडा कर लेंगे। तो इसको हम निकाल लेते हैं, जब तक हम बना लेते हैं रेड वाली चटनी, बहुत स्पाइसी वाली, जो इस पराठे के साथ बहुत ही अच्छी लगेगी। तो इधर मैं ली हूँ टमाटर और मिर्च, इनको मैं उबाल ली थी। तो ये देखिए तीखी वाली मिर्च है, आप कम ज़्यादा कर सकते हो। तो ये जो मिर्च है, इसके मैं दाने निकाल दी थी। तो इसको अब हम क्या करेंगे, इसमें तो पहले मैं लहसुन और मिर्च डाल देती हूँ, और अदरक डाल देती हूँ, और टमाटर को कट करके डाल दूँगी। तो टमाटर के हम छिलके भी निकाल दिए थे। तो ये चटनी बहुत ही स्पाइसी और बहुत ही टेस्टी लगती है फ्रेंड्स। तो आप इसको किसी भी पराठे और नाश्ते के साथ खा सकते हो। और इसमें हम डाल देते हैं नमक, और इसको हम पीस लेते हैं अब। तो जो हमारी चटनी है वो रेडी हो गई है, बहुत ही टेस्टी। तो चलिए अब हम पराठे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इधर मैं साफ़ कर ली थी, और इधर थोड़ा सा हम सूखा आटा लेंगे, और एक हम लोई लेंगे आटे की। तो आटे में हम बस अजवाइन और नमक डाले हैं, और एक सॉफ्ट डो हम गुथ लिए थे। तो इसको हम बेलेंगे, थोड़ा सा मोटा बेलना है पहले। तो ये देखिए हम बेल लिए, अब इसमें स्टफिंग हम भरेंगे। तो इधर मैं 1 से 1.5 स्पून स्टफिंग भरूंगी। तो ये देखिए अब इसको हम चारों तरफ से ऐसे कवर कर देंगे आटे को, ऐसे लेके। और ऊपर से ये निकाल देंगे हम आटा, एक्स्ट्रा जो आटा है, और इसको हम अच्छे से ऐसे दबाएंगे, और सूखा आटा लेके हल्के हाथ से हम बेलेंगे। तो हमें बहुत ज़ोर से इधर नहीं बेलना है, नहीं तो स्टफिंग क्या होगा, निकलने लगेगा। तो बहुत ही आराम से हमें इधर बेलना है, बहुत ही हल्के हाथ से बेलन चलाना है, और थोड़ा मोटा बेलना है हमें पराठे इधर। तो आप देख रहे हो कितने आराम से ये बन रहे हैं पराठे, कोई स्टफिंग निकलने का या कोई चांस ही नहीं है। तो ये देखिए पराठे हमारे बेल गए हैं, अब आपको हम दिखा देते हैं कितना मोटा है। तो ये देखिए हमें इतना मोटा ही बेलना है, और इसको हम चलिए सेकते हैं। तो इधर हम जो तवा चढ़ा दिए थे, तो वो भी गर्म हो गया है,
तो पराठे इधर मैं रख दी हूँ और इसको हम सेकने देंगे दोनों साइड से। तो ये अब इधर हम लगा देते हैं घी। मैं इधर घी लगा रही हूँ, आप अगर बटर या मतलब तेल जिससे भी आप बनाना चाहते हो उससे आप बना सकते हो। तो अच्छे से हम दोनों तरफ से लगा देंगे। ये लगा दी मैं अच्छे से घी दोनों तरफ से और इसको हम थोड़ा सा गोल्डन होने तक सेकेंगे दोनों तरफ से पराठे को। तो आप देख रहे हो ये पराठा हमारा फूल रहा है। दोनों साइड से हम अच्छे से सेक लेंगे। तो जो हमारा पराठा है तो आप देख रहे हो बहुत ही अच्छे से सेक गया है। इसको मैं निकाल लेती हूँ और दूसरा पराठा भी देर इधर सेक लेती हूँ मैं। तो ये हमारा पराठा जो है सेक गया है। तो फ्रेंड्स आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो या तो आप दही के साथ खाओ या चटनी के साथ। और पसंद आए मेरा वीडियो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना फ्रेंड्स।